Welcome back to my channel. It's me, Rachita, and you're watching That Bam Girl, Rachita. Or not usually कि मैं क्या करती हूँ, मैं आज क्या करने वाली हूँ, that I'm gonna share with you guys. क्योंकि मेरा जो रूटीन होता है that is really very very hectic. मैं वर्किंग हूँ तो मुझे सुबह सुबह फटाफट से काम करके भागना भी होता है. So, but आज संडे है, so मैंने सोचा कि why not to share the Sunday vlog with you guys. So, अभी मैंने थोड़ा डस्टिंग वगैरह सब काम कर लिया है, बट yes, क्लीनिंग रह गई है, मतलब झाड़ू पोछा जो भी रहता है ना, स्वीपिंग वॉपिंग, वो सब काम रह गया है अभी मेरा. प्लस मैं, अगर आप लोग मुझे जानते हैं, सो वीडियोस में जब भी मैं कोई डेडिकेटेड वीडियो बनाती हूँ या मतलब सिट डाउन वीडियोस करती हूँ, सो मैं कभी भी स्पेक्स नहीं पहनती हूँ, एंड आई वाज इन यू नो फुल मेकअप. सो लुक एक अलग होता है और ये एक रियल लुक है. दिस इज रियल मी. सो ये मैं हूँ और वो भी मैं ही हूँ, नो डाउट. बट यस, वो वीडियोस अलग होती हैं, ये व्लॉग है. सो आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू नो द रियल साइड ऑफ मी, कि मैं कैसे रहती हूँ, मैं क्या करती हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं 24 घंटा कैमरे के सामने बैठे रहती हूँ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. ईच एंड एवरी वर्क आई एम डूइंग बाय माई ओन. मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह सब बना लिया था और अभी मैं करने वाली हूँ लंच की तैयारी, क्योंकि ये व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ लंच टाइम से. लंच में बनाने वाले हैं हम कुछ स्पेशल, तो नहीं कहूंगी यूजुअल है. तो मैंने यहाँ पे रखी है मशरूम, सो आई एम गोना कुक मशरूम्स टुडे. तो आप में से किस किस को मशरूम्स पसंद है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा. सो देखते हैं. और रेसिपीज अगर आपको चाहिए स्पेसिफिक्स तो ही मैं आपको शेयर करूंगी, क्योंकि व्लॉग में ना गाइस रेसिपी शेयर करना इट्स नॉट पॉसिबल. और पहले मैं कुकिंग रेसिपी शेयर किया करती थी, बट आई डोंट नो कि वो आप लोगों को अच्छी लगती हैं नहीं लगती हैं, बट इनकेस अगर आपको अच्छी लगती हैं सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट. और या गाइस, मैंने मशरूम का रेसिपी भी ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, सो इफ यू वांट टू सी मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं. मैं एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि दो चीजें मैं बना लूं, लंच और डिनर दोनों का काम हो जाएगा. सो फर्स्ट आई एम गोना प्रिपेयर पाव भाजी, देन सेकंड आई एम गोना डू मशरूम. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अभी एक्चुअली क्या है ना, बिग बास्केट से ही मैं अपनी ग्रोसरीज वगैरह ऑर्डर करती हूँ, बट नाउ डेज क्या है ना, आई एम फीलिंग बिट लेजी टू गो आउट एंड बाई मिल्क और अदर स्टफ्स. सो यू कैन सी द बैग और इसमें है कुछ आइटम, सो हम इसे कलेक्ट कर लेते हैं. सो यस गाइस, ये हैं एग्स फ्रॉम बिग बास्केट, कर्ड्स है. सो यस, दिस इज द कर्ड्स पैकेट, ये नंदनी का पैक है. सो ये मैंने ले लिया है. सो लेट्स क्लोज द डोर. सो आप देख सकते हो कि पाव भाजी यहाँ पे है और इसमें मैंने धनिया वगैरह सब डाल दिया है. यहाँ पे मैं कर रही हूँ किसी और डिश की तैयारी. दिस इज ऑल्सो लुकिंग सो टेम्पटिंग. सो किचन में अभी भी स्टिल मेस है, सो वो मैं सभी तो जल्दी से ख़त्म नहीं होने वाला है. सो गाइस, किचन का पूरा काम कंप्लीट फिनिश, जो जो मुझे बनाना था इट्स ऑल डन. मेरा जूस है रेडी, मैं पीने वाली हूँ जूस. सो गाइस, यहाँ पे जूस मेरा रेडी है और मैं पीने वाली हूँ जूस. एज आई सेड बिफोर कि हमें डेली मॉर्निंग जूस तो लेना ही चाहिए. पहले जूस पी लेती हूँ. आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा जूस है, सो जब तक आप सोचते हैं तब तक मैं पी लेती हूँ. कमेंट डाउन बिलो कि ये कौन सा जूस हो सकता है. गाइस अभी कर लेते हैं थोड़ा सा घर साफ, क्योंकि घर हो गया है मेस एज यूजुअल. मॉर्निंग में सबका घर मेसी हो जाता है. मेरा काम हो गया है सारा डन, मैंने चंपी कर रखी है, आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा चिपकू चिपकू मेरे बाल हो रखे हैं. सो मैं करने वाली हूँ अपना हेड वॉश, और हेड वॉश करने वाली हूँ बहुत ही ज्यादा स्पेशल शैम्पू से, क्योंकि स्पेशल ऑयल मैंने लगाया था और उसके बारे में मैं आपसे शेयर करती हूँ थोड़ी देर में. सो गाइज, मैंने हेड वॉश कर लिया है अच्छे से और पूरा ऑयल निकल गया, आप देख सकते हैं कि कहीं कोई ऑयल जैसा स्टिकीनेस नहीं है. और शैम्पू कर लिया है मैंने, और शैम्पू भी बहुत अच्छा था, नेचुरल शैम्पू था मेरा.
काफी ज्यादा नेचुरल चीजें यूज कर रही हूँ मैं जो कि सर्टिफाइड हो, मतलब GMP और ISO सर्टिफाइड होनी ही चाहिए ना अगर आप कोई भी चीज अपने स्किन पे अपने हेयर पे यूज कर रहे हो तो। और अगर आपको भी पसंद है मेरी तरह नेचुरल चीजें यूज करने का तो आप भी ट्राई कर सकते हो इफ यू वॉन्ट। नेचर श्योर का चीजें यूज कर रही हूँ मैं। सो मेरे पास ये एक ऑयल भी है जिसको मैंने यूज किया था आज, नेचर श्योर का है ये और आप भी इसको यूज कर सकते हो। और इसमें ऑफर भी है, यस करेक्ट गाइस, मुझे अभी अभी याद आया इसमें ऑफर भी है। अगर आप कोई भी एक प्रोडक्ट लेते हो आपको कोई ना कोई गिफ्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, बट इफ इन केस अगर आप बाई करते हो दो प्रोडक्ट, कोई भी दो प्रोडक्ट नेचर श्योर के, तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। अगर आप बाई करते हो तीन प्रोडक्ट तो आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। सो गाइस इजंट इट अमेजिंग? यस इट इज। सो अगर आपको बाई करना है तो मैं कूपन कोड दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कंप्लीट डिटेल के लिए गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दे दिया कि अगर आपको इनकेस बाई करना है तो आप बाई कर सकते हो। इट्स अ रियली रियली वेरी नाइस ऑफर आपके नेचुरल बालों के लिए। सो जैसे हमारे बाल नेचुरल होते हैं ना, सो हम जो उसमें यूज करते हैं वो भी नेचुरल ही होना चाहिए। अभी आप देख सकते हो कि बाल पूरे ड्राई नहीं हुए बट स्टिल दे आर शाइनिंग। ओ आई एम लविंग इट। सो गाइज अभी हो गया है लंच का टाइम, तो लंच तो आपने देख ही लिया है, मैंने ऑलरेडी बना लिया है। सो अब मैं करने वाली हूँ लंच बिकॉज आई एम फीलिंग सुपर हंग्री। गाइज टुडे आई एम गोना हैव दिस मालाबार पराठा आईडी का, ये मैंने मंगाया था बिग बास्केट से। मैं बिग बास्केट से ही लेती हूँ सामान, ऑनलाइन ऑर्डर करना मुझे बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल हो जाता है। सो ये मैंने यहाँ रख दिया है और मैं इसे बनाने वाली हूँ घी में। I love घी। सो गाइज आप मुझे बताओ कि कौन कौन घर में देसी घी बनाता है लाइक मी। मैं तो बहुत ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि मुझे ना बिल्कुल भी बाहर का पसंद नहीं है। सो आई प्रेफर ऑलवेज कि मैं घर का ही घी खाऊँ। आई नो गाइज घर का घी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है बनाना, मेसी भी हो जाता है और वो बहुत गंदा स्मेल करता है, बट टेस्ट उसका मुझे बड़ा पसंद है। देख सकते हो ये इतना सारा मैंने खा लिया है, इतना बचा है। घी खाना अच्छी बात होती है, ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयल खाना इज़ नॉट गुड, बट घी खाना इज़ ओके। थोड़ा गुड कोलेस्ट्रॉल भी होना चाहिए ना बॉडी में एनर्जी के लिए, सो उसके लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे से क्रिस्पी हो गया है, गैस फुल था तो मैंने इसे स्लो कर दिया है। ये वाला पराठा जनरली गाइज मैं रोटी बनाती हूँ बट आज ना मुझे यही खाने का मन था सो मैंने सोचा कि यही खा लिया जाता है। और इतना ही ऑयल हाफ हाफ, बस थोड़ा सा ही मैंने घी लगाया है और आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर ये लग रहा है। ओ माय गॉड दिस इज़ सो डिलीशियस। और एक ही काफ़ी होता है खाने के लिए। हाँ यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ कि दिस इज़ माय घी जो कि मैंने घर में खुद से बनाया है। और अगर आपको उसका रेसिपी जानना है कैसे ये बनता है इफ़ यू वॉन्ट टू नो, तो मैं उसे डाल दूंगी। मतलब इसके लिए मैं क्या वीडियो तो नहीं बनाऊंगी बट येस इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू नो मैं इसको इंस्टा स्टोरी वगैरह पे कहीं तो एडजस्ट कर ही सकती हूँ। सो मैं करने वाली हूँ अपना लंच। मतलब सरप्राइजिंगली ना आज तो ऐसा हो रहा है कि मेरा पूरा व्लॉग या मेरा मतलब मानो पूरा दिन ना किचन में ही जाने वाला है। मतलब मैं या तो बना रही हूँ या खा रही हूँ या फिर किचन क्लीन कर रही हूँ, मतलब ऐसा ही स्टफ मैं करे जा रही हूँ। बट आई एम लविंग डूइंग दैट। और अब मेरा पेट पूजा का टाइम हो गया, मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से काफ़ी ज़्यादा काम हो गया है। मैं करने वाली हूँ लंच इज माई पराठा। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही सुंदर लग रहा है ये, ओ माई गॉड। सो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे मशरूम है, मैंने ना इसमें कैप्सिकम भी डाला है। आई लव दिस कॉम्बिनेशन। लाइट्स ऑफ, लंच ऑन, लेट्स हैव लंच। सो गाइज कौन कौन मेरे साथ लंच करना पसंद करेगा? सो फर्स्ट बाइट मैं देने वाली हूँ, ये आप लोगों के लिए है सो आप लोग खा सकते हो। फैब, बहुत ज़्यादा यमी है, बहुत टेस्टी है, लविंग इट। ऐसा नहीं है कि मैंने बनाया तो मैं खुद ही बोल रही हूँ अच्छा है, बट सीरियसली अच्छा है। तो चलिए गाइज मैं लंच करने के बाद आपसे मिलती हूँ। सो गाइज आई एम डन विद माई लंच और दिस इज इट फॉर दिस व्लॉग गाइज। सो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको शेयर किया था अपना मॉर्निंग रूटीन, मतलब मॉर्निंग वॉक से लेकर ब्रेकफास्ट तक और छोटे मोटे काम से लेकर मैं क्या क्या करती हूँ। बट इसमें मैंने दिखाया कि मैं ब्रेकफास्ट जब से शुरू करती हूँ तब से आफ्टरनून तक का मैंने रूटीन आपके साथ शेयर कर दिया।
सो होप यू लाइक दिस वीडियो गाइज, होप यू लाइक दिस व्लॉग। सो फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर कर दीजिए। और हाँ, मेरा नेक्स्ट आने वाला व्लॉग आप जरूर देखिएगा, मैं बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। वो जो व्लॉग था ना गाइज, उसको सीरियसली आई अप्रिशिएट, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। बट अगर इसको भी बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है तो मैं अपना इवनिंग रूटीन भी शेयर करूंगी, प्लस आपके साथ अपना नाइट रूटीन भी शेयर करने वाली हूँ। सो हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब माई चैनल, डू वॉच माई वीडियो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए गाइज, लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को। तो चलिए चलती हूँ, मैं मिलती हूँ आपसे बाद में किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।